आजा उनके साथ बच्चे लोग साथ में आ जाओ। मैम यहाँ पे, यहाँ पे मैम, मैम लुक कैमरे में। हाँ लुक गया। बस 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 बस। अरे वापस लगा, वापस लगा, वापस लगा। एक मिनट, एक मिनट, सामने देखो, इधर यहाँ पे देखो, रियाना जी ऊपर, नया जी यहाँ पे, बैठो नीचे बैठो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे यही साइड आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। हाँ बस बस बस, यस हाँ ले लो, चलो ये हाथी का पैसा आ गया। स्माइल करो, स्माइल स्माइल। अरे स्माइल स्माइल किधर जाएगा, स्माइल करो सर, हंसो। Good kid.
अरे मैम लो किया यहाँ पे देखे यहाँ पे देख के हाँ Thank you.
नाइस Smile Foundation, yes, this is my honor to be here with Smile Foundation and बच्चों के साथ time spend करके मुझे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं, you know. So it was so much fun. So हम लोगों ने Republic Day celebrate किया, we draw also and you know they asked me, they were like so cute, they asked me few questions जो मेरे बचपन के questions थे. So I think you know होता है कि आप भूल जाते हो, लाइक दो वो सब यादें होती है, आप भूल जाते हो बिकॉज डेली लाइफ यू सो बिजी विद योर यू नो वर्क एक्टिविटीज़ एंड ऑल. सो आपको वो बचपन की यादें हैं जो वो ताज़ा हो गई. आज दे आस्क्ड मी दोस क्वेश्चंस, इट वाज सो नाइस ऑफ देम. एंड जब मैं उनको आंसर दे रही थी, सो आई वॉज थिंकिंग ओ माई गॉड, लाइक हाउ ब्यूटिफुल यू नो चाइल्डहुड यूज़ टू बी. एंड इट्स सो मच फन टू बी विद किड्स. आई लव किड्स एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विद किड्स एंड आई रियली फील ऑनर्ड टू स्पेंड माई रिपब्लिक डे विद किड्स. स्कूल डेज में लाइक ऑफकोर्स लाइक अदर किड्स, हम लोग स्कूल में फ्लैग के साथ रिपब्लिक डे एवरी ईयर वी यूज टू सेलिब्रेट एंड इट यूज टू बी माई फेवरेट थिंग, क्योंकि जो फ्लैग रेज करना मुझको मिलता था हमेशा. सो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, बट थैंक यू सो मच लव कि हमेशा वो मेरे को ही मिलता था. एंड इट यूज टू बी माई फेवरेट टाइम. आई यूज टू बी लाइक यू नो ऑन द टॉप दैट डे बिकॉज सब मेरे पीछे पीछे घूमते थे. एंड देन ऑफकोर्स यूज टू वेयर कलरफुल क्लोथ्स एंड देन यू यूज टू ईट फ्री फूड. सो बचपन में दैट वॉज द बेस्ट थिंग आई थिंक. बट या इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, दोज यूज टू बी माई फेवरेट डेज एंड हम लोग एवरी ईयर वी यूज टू सेलिब्रेट. सो आई एम रियली हैप्पी लाइक आफ्टर सो मेनी ईयर्स बच्चों के साथ मुझे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने को मिल रहा है. पेंटिंग इट यूज टू बी माई फेवरेट एक्टिविटी जब मैं स्कूल में होती थी एंड बट उसके बाद इन बिजी स्केड्यूल आई जस्ट फॉरगॉट कम्प्लीटली के पेंटिंग क्या होता है. एंड टुडे जब हम लोग ड्रॉ कर रहे थे विद किड्स, पेंट कर रहे थे एंड ड्रॉ कर रहे थे, सो आई रिमेंबर ऑल दोज डेज के आई वॉज यूज टू बी वेरी गुड इन स्केचिंग. सो वेन एवर आई हैड ए फ्री टाइम आई यूज टू सिट इन अ कॉर्नर. सो सामने कोई भी बैठा होता था और मुझे कुछ भी दिखता था आगे, सो आई यूज टू जस्ट कॉपी दैट एंड जस्ट स्केच इट ऑल द टाइम. बट या विद ईयर्स विद बिजी एक्टिविटीज आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन कम्प्लीटली. एंड आज जब मैं पेंट कर रही थी एंड आई थॉट आई शुड स्टार्ट इट अगेन, सो आई एम श्योर आई एम गोना स्टार्ट इट अगेन. बट बहुत मज़ा आया, मैं बच्चों को कॉपी कर कर के पेंट कर रही थी. इट वॉज टू मच फन. आई एम वेरी शाई, आई एम ए वेरी शाई पर्सन. एंड अगर बात की जाए हेट स्टोरी में बोल्ड किरदार, नहीं इसमें इतना ज़्यादा बोल्ड किरदार नहीं है. दिस हेट स्टोरी 4, इट्स ए लाइक इट्स अ रिवेंज स्टोरी अगेन लाइक अदर हेट स्टोरी 3, जो हेट स्टोरी 3 आई थी. बट दिस मूवी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर मूवीज बिकॉज दिस इज मोर ऑफ यू नो इट्स अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मूवी एंड इट्स ए it depends on, it's a based on real incident which happened in Mumbai. And in this movie I think bol se zyada aapko performance dekhne ko milegi. And I think that's why I chose Hail Story 4 because I'm from Punjabi industry. This is my debut. Hail Story 4 is my debut. So when I read the script, so I thought ke mujhe isse zyada achhi opportunity nahi milegi to show my performance, to show like okay how well I can do as an actor. So it was a really great experience to working in History 4. And agar real life ki baat kiye jaye, it's see bold is not like, you know, I am very shy person, yes, I'm very reserved all the time, but with that I'm also very moderate, I feel. So mujhe bahut zyada difficulties nahi aaye. I always like cinema, like Sanjay Leela Bhansali does. So I'm always fan of Sanjay Leela Bhansali movies. So I would love to work with Sanjay Leela Bhansali. And agar mujhe, I think movies like Devdas came, so uska koi remake banega, mere ko chance milega usme kaam karne ka, I would love to do that. And yes, I would love to work with Sanjay Leela Bhansali because he shows art, he shows cinema. So I would love to do those kind of movies.
Hate Story 4 which is releasing on 9th of March and do watch. And iske ilawa I have two another Punjabi movies which are releasing next year. One is releasing in July, one is in June. So uske ilawa I have movie called Nastik where I am with Arjun Rampal. So that's again gonna release by I think mid June or July. And I'm starting another Hindi movie which we will announce soon. Thank you. Everyone. Man, wait. अरे आप भी हैं क्या?